ये है यहाँ पे केक जो कि चेतन ने मंगवाया है कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्णा जो है 6 मंथ कंप्लीट हो रहे बच्चे के, और बच्चा 6 महीने का हो गया है। थोड़ा पता चला थोड़ा नहीं चला, ये केक आया है अभी, मुझे नहीं पता था सच बताऊँ तो। एंड ये सूजी के रस्क, मैं चेतन को बोल रही थी कि सूजी के रस्क आते हैं वो लेके आऊँगी खाने के लिए, काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड इसकी ब्रेड बहुत अच्छी होती है, तो ब्रेड भी मैं मतलब जब भी हम कुछ मंगवाते तो ब्रेड जरूर। हम लोग जो है घूमने आए हैं बाहर, इसलिए भी हम टोपा भूल गया जिसका सर पे लगाने वाला, तो मोनिका ने देसी जुगाड़ लगाया है। यहाँ पे ठंड रहती है बहुत, मतलब शुरू हो गई है बच्चे के हिसाब से ठंड, तो जो है मैंने हैंकी पड़ी थी इसकी, तो हैंकी से बांध दिया कि एटलीस्ट उसको हवा ना लगे, क्योंकि इसका टोपा भूल गया। तो चेतन बोल रहे थे मैं ले आता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं रहने, तो अब जाना आना हो जाएगा, इतने में तो घुमा ही लेंगे इसको थोड़ी देर। और ये बच्चा इतना शैतान हो गया, स्ट्रोलर में नहीं बैठता यार, ये इसको चाहिए गोदी, गोदी से इसको सारी चीज़ें देखनी है, गोदी में नॉर्मल रहेगा, और स्ट्रोलर में आप बिठाओगे तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाएगा। तो अभी हमने बिठाया था ना, हम बातें कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, बस ये देखो यहाँ पे ये ना ये कुत्ते आते हैं, ठीक है, ऐसे बीच बीच में चेक करने के लिए। हम सोसाइटी के बाहर हैं, तो हम सोसाइटी के जस्ट बाहर है ये सोसाइटी, हम जस्ट यहीं पे घूमते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बच्चे बहुत खेलते हैं, कभी बॉल कभी कुछ, तो हमें लगता है कृष्णा को भी चालू हो गए हैं। अभी क्रैकर्स भी चालू हो गए, बच्चे शुरू कर दिए पटाखे फोड़ना, तो मुझे लगता है कि इसको डर लग जाए, वो डरता भी है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको यहीं पर ले आते हैं बाहर। तो यहाँ पर ना एक दो कुत्ते आते हैं, हमें पता नहीं क्यों चेक करने के लिए आते हैं, और मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। मोनिका उनके आते कहती है ये उठा के ले जाएगा। बाप रे, मैंने कहा इतना एक्सट्रीम सोचने की क्या जरूरत है। मैं ऐसी की आदत हो गई है, जब से प्रेगनेंसी मतलब जब से डिलीवरी हुई है ना, तब से एकदम एक्सट्रीम सोचती है, दीवार से इसका सर भिड़ जाएगा, ये बालकनी में मत झुको, ये इसको लेके गिर जाओगे। मुझे ना मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं ऐसे बहुत ज्यादा सोचने लग गई हूँ, पर पता है क्या होता है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल सोचती है, मैं इसको लेके चल रही हूँ। कुत्ते आते हैं अभी घूमने के लिए, तो बोलती है इसको उठा के ले जाएंगे, फिर कभी मैं इसको बाहर लेके घूमता हूँ तो बोलती है इसको भी उठा के ले जाएंगे। मैं अकेली होती हूँ तो मैं इसको बाहर कभी नहीं लाती, मैं दो सुबह घुमाती हूँ तो मंदिर के पास में इधर ही बिठाती हूँ, मैं इसको अकेली कभी बाहर नहीं लाती क्योंकि मुझे सच में विश्वास नहीं है। मैं मतलब इतनी डर गई हूँ ना, मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ, पहले मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बहुत ही मतलब स्ट्रांग टाइप की लड़की है ऐसा, लेकिन अब ऐसी हो गई हूँ ना मैं कि क्या नाम है, जैसे मैं चल रही हूँ तो मुझे लगता है मेरा पैर लड़खड़ा है और कृष्णा गिर जाएगा मुझसे। फिर मैं कुछ खा रही हूँ जैसे फॉक्स से खा रही, तो मुझे लगता है ये हाथ से छूटेगा और उसको चुप जाएगा, मतलब हमेशा उल्टा सोचने वाली हूँ मैं, और मुझे पता नहीं ऐसा अभी ज़्यादा ही उल्टा सोचना चालू कर दिया है, मुझे बहुत डर लगने लग गया। मैं थोड़ी डरपोक हो गई हूँ इस चीज़ को, मैं मानती हूँ, बट शायद टाइम के साथ में जब भी बड़ा होगा तो शायद नॉर्मल हो जाऊँ इस चीज़ को लेके, बट अभी मैं बहुत डरती हूँ। मुझे 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 कभी ऐसा वीडियो देख लिया इंस्टाग्राम पे कि कोई बच्चे को उठा के ले जा रहा है, तो भाई बस मेरे वहीं पे जो ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया है ना वो चालू हो जाती है और मैं सोचने लग जाती हूँ। अभी घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमारा केशव जो है 6 मंथ कम्प्लीट कर लेगा, बर्थडे ब्रिंग है ना इसका, हम केक ले 6 मंथ बर्थडे कह रही है, केक आज नहीं काटेंगे सुबह। देखा नहीं है, तो मैं और चेतन जो है कृष्णा के सलाह के ये बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर अब टीवी देखते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, तो जस्ट खाना वाना खाया है और देख रहे कोई डॉक्यूमेंट्री है शायद, है ना, और कृष्णा का केक जो है वो रात से पड़ा, हम रात से सोच रहे हैं यार खा लेते हैं, अब काट लेते हैं, अब खा लेते हैं, उसको क्या पता चलेगा, लेकिन कृष्णा बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहा है कट करने का, तो अब जब उठेगा वो सो के, तो आज उसका इंजेक्शन भी लगना है, उसको वैक्सीनेशन डे भी है उसका, क्योंकि वो पूरे 6 मंथ्स का हो गया है, तो
तो हम लोग जाने वाले हैं जिसको लेके, तो उससे पहले ही हम लोग सोच रहे हैं कि कट करके जाएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, हमने एक भी इसका केक कट नहीं किया, बट 6 मंथ का था तो चेतन ले आए कि कट करते हैं। सो जाएंगे और अभी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग टीवी टाइम। कितने टाइम बाद? बहुत टाइम बाद। आज कहाँ जा रहा है ये? आज उसको वैक्सीनेशन लगनी है। सुई खाने, चोई चोई चोई। सुई खाने जा रहा है ये। 2 इंजेक्शन लगेंगे इसको। सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा 2 दिन के लिए। क्या कर रहा है किशु? किशु को पता नहीं मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें अटक रही हैं, बढ़ रही हैं। बीटू, किशु, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, बस छोटी सी चोट लगी है। आज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मम्मा ना धीरे धीरे छू लेगा ना मेरे बाबू को, पाँव पे लगेगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो केक हॉस्पिटल से आने के बाद में कट किया था, क्योंकि कृष्णा पहले सो रहा था और गाड़ी आ गई थी, तो हमें लगा कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको लेके निकल गए थे इसको इंजेक्शन्स लगवाने के लिए। और दोनों पैर में इंजेक्शन लगने के बाद में ये ठीक फील कर रहा था, मतलब इसको दर्द वर्द नहीं हो रहा था ज़्यादा। डॉक्टर ने पहले ही बोला था इसको फीवर भी नहीं आएगा और दर्द भी नहीं होगा, और वैसा ही हुआ, इसको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसका मूड भी अच्छा है तो एक बार कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले घर वालों को कॉल किया, तो चेतन वही कॉल में लगे हुए थे, मतलब एक जना फ़ोन को मैनेज कर रहा था, और फिर मैंने और कृष्णा ने जो है हल्का सा केक कट किया। स्पून से ही किया था क्योंकि नाइफ में मुझे कृष्णा के साथ डर लग रहा था, उसका पता नहीं कब हाथ पकड़ के खींच ले। एंड उसको हल्का सा टेस्ट कराया, हालाँकि मैं उसे मीठा बिल्कुल नहीं देती हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा दिया था उसको। एंड बस ऐसे ही बनाया था हमने, कृष्णा का बर्थडे, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको तो 2 इंजेक्शंस लगवाए दोनों पैरों पे, और उसका छोटा सा केक कट किया, और हम तीनों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। फैमिली को हमने वीडियो कॉल कर लिया था, सब लोग बातें कर रहे थे अब जल्दी कृष्णा से मिलेंगे, तब वो भी इंजॉय करेंगे इसके साथ में। एंड ये था कृष्णा का 6 मंथ बर्थडे। थैंक यू गाइज़।